सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर आजम खान अदालत ने एक होर मामले में सजा सुनाई है। इस बार उस डूंगरपुर केस में 7 साल की कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साबका सीओ सिटी आले हसन खान, साबका नगर पालिका प्रधान अजहर खान ते बरेली के ठेकेदार बरकत अली नू 5 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने इन्हां तिन्हां ते 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लाया। आजम खान हुण तक 5 मामले दोषी ठहराया जा चुका है। उसनू 5 महीने पहला उसके पुत अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म सर्टिफिकेट केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। कलकत्ता के गार्डन रिच इलाके में उसारी दिन 5 मंजिला इमारत डिगण नाल 7 लोगों की मौत हो गई, 10 जख्मी हुए ने। मृतकों की गिनती बढ़ सकती है। मृतक के जख्मी उसारी दिन इमारत के आले दुआले झोंपड़ियों में रहने वाले लोग ने, जिन्हों से मलबा डिगे। हादसे वाली थान से बचाव मुहिम लगातार जारी है। 5 लोगों के इमारत के मलबे दबे होने का शक है। कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम ने दसिया कि इमारत गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही थी। इमारत के प्रमोटर मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे वाली थान से घट्टो घट्ट 10 लोगों को बचाया गया, जख्मियों को हस्पताल में भर्ती करवा दिया। अगले लोकसभा चोणां शक्ति खिलाफ लड़ाई दे राहुल गांधी दे बयान ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिखा वार किया है। उन्होंने शक्ति च आम लोगों की डूंगी आस्था जाहिर करते हुए राहुल दे बयान नूं चुनावी मुद्दा बनाउण दा भी साफ संकेत दिता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हर मां बेटी शक्ति का स्वरूप है, शक्ति की रक्षा लिए वह जान दा ते ला देणगे। लोकसभा चोणां नूं शक्ति दे विनाशक ते शक्ति दे उपासक विचाले दसदे उन्होंने कहा कि 4 जून नूं स्पष्ट होएगा कि कौन शक्ति का विनाश करने वाला है, किस नूं शक्ति का आशीर्वाद हासिल है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 तो पहला बड़ा झटका लगे। बसपा संसद संगीता आजाद भाजपा शामिल हो गए। बसपा संसद मेंबर संगीता आजाद के नाल साबका विधायक आजाद अरमर्दन भी भाजपा शामिल हुए ने। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि भी भाजपा के शामिल हो गए। लोकसभा चोणों तो पहला पंजाब की सियासत नाल जुड़ी बड़ी खबर है। लंबे समय तो कमेंट्री के टीवी शो तो दूर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर क्रिकेट कमेंट्री में वापसी कर जा रहे हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आईपीएल तो कमेंट्री में वापसी कर जा रहे हैं। दस दिए कि कुछ दिन पहला ही लोकसभा चोणा लड़न तो इनकार कर चुके हैं। नवजोत सिद्धू ने आप इस गल की पुष्टि की। उन्होंने सोशल मीडिया राही यह जानकारी साझी। चोन कमिशन के आदेशों अनुसार लोकसभा चुनाव दौरान पंजाब ते हरियाणा च सियासी पार्टियां स्कूल ग्राउंडों की वरतों रैलियां ते जलसे लई नहीं कर सकणगियां। पहला वख-वख सियासी पार्टियां चोणां नेड़े रैलियां लई स्कूलों के ग्राउंडों की वरतों करदी ने, जिसका काफी विरोध भी किया जाता है, क्योंकि इस नाल स्कूल च विद्यार्थियों की पढ़ाई का भी काफी नुकसान हुंदा सी ते कई बार स्कूल ग्राउंडों च रैली कारण विद्यार्थियों नूं छुट्टी भी करनी पैंदी सी। देश लोकसभा चुनाव तो पहला श्रीनगर जिला मैजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी करके जिले च लाइसेंसी हथियार लेके जानते पूर्ण पाबंदी ला दी है। हुक्मां च कहा गया है कि जिले में स्वतंत्र ते निरपक्ष चुनाव नूं यकीनी बनाने जरूरी कानून व्यवस्था बनाई रखने यकीनी बनाने तहत हुक्म जारी हुए ने। हुक्मां च कहा गया है कि चोन प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक जिले अंदर फौजदारी जाबता संघ 1973 की धारा 144 अधीन हुक्म जारी किए गए। लोकसभा चोणां दी तरीकां दा ऐलान मगरों चर्चावां काफी तेज ने कि भाजपा बॉलीवुड दी कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रणौत नूं हिमाचल तो टिकट दे सकदी है। खबरां मुताबिक कंगना नूं हिमाचल दी मंडी सीट तो टिकट मिल सकदी है। हालांकि अदाकारा ने भी चोण लड़न दी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने मंडी तो टिकट देने दे मजबूत दावेदारां च गिणिया जा रहा। दस दिए कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश दी 4 चो 2 सीटां ते उम्मीदवार खड़े किए ने। 2 सीटां कांगड़ा ते मंडी दे बच्चे ने। खबरां ने कि अदाकारा कंगना रणौत दा नाम वी उन्हां नावां शामिल हो सकदा है जिन्हां ते भाजपा मंडी सीट तो उम्मीदवारी लई विचार कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार मुकाया। सरकार ने 4 नक्सलियों के 36 लाख रुपए का इनाम रखा। पुलिस नाल मुकाबले च 4 की मौत हो गई। गोलीबारी बंद होने तो बाद खेतर की तलाशी ले गई तो 4 नक्सलियों की लाशा मिली। उन्होंने 36 लाख रुपए का समूहिक नकद इनाम से। अधिकारी ने दसिया कि AK-47 बंदूक की कार्रवाई से 2 देसी पिस्तौल से होर समान भी बरामद। अमरीका ने पाकिस्तान को अपनी अतवाद विरोधी मुहिम दौरान संजम वरतन की अपील की है। उस तो कुछ घंटे पहला पाकिस्तान ने कहा कि उसने अफगानिस्तान च तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाल जुड़े अतवादियों से हवाई हमले किए ने। व्हाइट हाउस के प्रेस सकत्तर कैरिन जेन पेरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका अफगानिस्तान से शासन करने वाले तालिबान को अपील करता है कि वह यकीनी बनाने की अफगानिस्तान की धरती को अतवादी हमले करने लिए इस्तेमाल न किया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एक व्यौता की मौत मगरों जम के हंगामा हुआ। व्यौता के शकी हालातों से लाश मिलने की खबर जिमी उसके पेके परिवार को मिली तो उन्होंने सहुरे पहुंच के हंगामा किया। एनएनए पेके परिवार वाले ने सहुरे घर अग ला दी जिस कारण उसके सहुरे से सास की झुलस के मौत हो गई। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर दीपक भुक्कर ने दसिया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अंशिका केसरवाणी ने मुथीगंज थाना क्षेत्र में अपने सहुरे घर से फाहा लेकर खुदकुशी कर ली तो उसके पेके से सहुरा पक्ष मौके पर मौजूद सन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ से निशाना साधिया। सीएम मान ने ट्वीट करके कहा कि जाखड़ साहब जिस पार्टी च अजकल उसकी फिक्र करो, नाले पत्रकारों को दस दिया करो कि मैं केड़ी पार्टी वालों बोल रहा। कांग्रेस वालों राज भाजपा के प्रधान से अकाली दल गठजोड़ का सद्दा। साहब जी तुम मेरे पंजाब के लोगों की समझ।
नेपाल की संसद के हेठले सदन प्रतिनिधि सभा के साबका स्पीकर से सत्ताधारी पार्टी के सीनियर मैंबर कृष्ण बहादुर महरा सोना तस्करी के मामले च गिरफ्तार किया गया। उन्होंने काठमांडू लिया गया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगवाई वाली नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी के उप प्रधान 65 साल महरा कपिल वस्तु जिले के पकड़ी तो गिरफ्तार किया गया। नेपाल पुलिस ने इस मामले साबका उपराष्ट्रपति नंद बहादुर के पुत्र दीपेश पुन भी 15 मार्च को गिरफ्तार किया। गुरदासपुर के नेड़े पिंड बलगान विखे पिछले दिन एक सड़क हादसे का शिकार हुए फौजी जवान हौलदार हरदीप सिंह का अंतिम संस्कार सरकारी सम्मानों नाल किया गया। मृतक जवान के 2 छोटे बच्चे ने मृतक के भरा कुलदीप सिंह ने दसिया कि उसका भरा छुट्टियां मनाउन घर आया से श्री आनंदपुर साहब के दर्शन लिए गया होया सी, जिथे वह हादसे का शिकार हो गया जिसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। मृतक के परिवार ने मांग की कि मृतक कुलदीप सिंह के परिवार को बनती सरकारी सहायता मुहैया कराई जाए। उसे मृतक की यूनिट च काम करते सूबेदार अमरजीत सिंह ने दसिया कि मृतक हरदीप सिंह बहुत ही वधिया सुभा का मालिक से उसकी मौत नाल यूनिट नूं बहुत वड्डा घाटा। फिलहाल स्पीड न्यूज बस इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।